जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे वुमेंस वर्ल्ड कप के फर्स्ट मैच की, जो कि साउथ अफ्रीका वुमेंस और श्रीलंका वुमेंस के बीच खेला जाएगा। अब दोस्तों क्या रहेगी पॉसिबल प्लेइंग 11, ठीक है, बाकी पिच रिपोर्ट और फाइनल स्मॉल लीग की टीम, सो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप सभी वीडियो पर एंड तक बने रहना, वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करना, आपको फाइनल टीम इस वीडियो के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों जिन्होंने भी हम अभी तक अपना ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो दोस्तों सभी टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, क्यों दोस्तों, क्योंकि फाइनल टीम या फर्दर जो भी अपडेट आती है वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम से जुड़ना कैसे है, तो सिंपली दोस्तों टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, सर्च कीजिएगा @UDCRA10, ठीक है। आपको 41,000 के आसपास वाला चैनल आपको शो हो जाएगा, ठीक है, जिसका यूज़र नेम केवल और केवल @UDCRA10 होगा, ठीक है। केवल यही वाला चैनल आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल आपको टीम मिलेगी, साथ ही साथ ग्रैंड लीग वगैरह की टीम भी मिलेगी। सो टेलीग्राम से ज्वाइन करना ना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बाकी दोस्तों पिच की बात करें, जो कि न्यूलैंड्स कैप टाउन में ये मैच खेला जाएगा, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत सा ये स्टेडियम है दोस्तों, यहाँ पर ये मैच खेला जाएगा, ठीक है। इस वाले वेन्यू पर अगर लास्ट 6 मैचेस की बात करें, तो उस पर अपन ने क्या देखा था, लास्ट जो गेम हुआ था ये सारे वुमेंस के ही वुमेंस वाले मैच के स्टार्ट्स हैं, ठीक है। सो लास्ट गेम में यहाँ पे जो बने थे ना मैच रन्स, वो 129 बने थे 8 विकेट के नुकसान पे। वहीं पे चेस करने आती है टीम, वो दोस्तों 86 पे ही सिमट जाती है। इसके अलावा आगे अगर बात करें, सो 103 बने थे और टीम यहाँ पर 44 पे सिमट जाती है। आई थिंक ये इंडिया वाला मैच था, इंडिया वुमेंस का, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो 150 बने थे और टीम जो चेस करने आई थी वो दोस्तों 1 रन से चूक गई, ठीक है। इसके बाद 148 बने थे और जो टीम चेस करने आई दोस्तों वो 112 पे ही सिमट गई। यहाँ पे भी 132 बने थे और टीम 130 में ही सिमट गई, अगेन दोस्तों 132 और यहाँ पे 126, ठीक है। सो ये सारे स्टैट्स दोस्तों क्या समझ आता है, जो टीम बैट फर्स्ट कर रही है इस वाले वेन्यू के अंदर उसे एडवांटेज ज़्यादा हो रहा है ना। हालांकि पिच बिहेव की अगर बात करोगे आप, सो बैटर्स प्लस बॉलर्स यानी बैट्समैन और बॉलर्स दोनों के फेवर में ये पिच है, ठीक है। बट लास्ट कुछ गेम्स हुए हैं, ये स्टैट्स आपके लिए ज़रूरी है बैट फर्स्ट के अंदर, है ना। इसके अलावा लास्ट जो 6 गेम्स हुए हैं यहाँ पर पेस वर्सेज स्पिनर्स, 46 विकेट निकाले हैं पेसर्स ने। इसके अलावा स्पिनर्स ने दोस्तों 23 विकेट निकाले हैं लास्ट के 6 गेम्स में इस वाले वेन्यू पे, ठीक है। इसके अलावा हेड टू हेड स्टार्ट्स की अगर बात करी जाए दोनों ही टीम्स की, सो जिसमें कि दोस्तों टोटल यहाँ पे जो मैचेस खेले हैं ना साउथ अफ्रीका वुमेंस और श्रीलंका वुमेंस के बीच, वो गेम्स हुए हैं 13। अब 13 मुकाबले में से दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने 10 बार विन किए हैं, श्रीलंका की टीम ने केवल और केवल 3 बार ही विन करके आ रही है। वहीं पे अगर बात करें बैट फर्स्ट की और बैट सेकंड की, सो बैट फर्स्ट के अंदर साउथ अफ्रीका वुमेंस 1 बारी विन करके आ रही है, ठीक है। वहीं पे श्रीलंका वुमन 3 बारी विन करके आ रही है। बैट सेकंड की अगर बात करें, सो यहाँ पे साउथ अफ्रीका वुमेंस 9 बार विन करके आ रही है और अपना श्रीलंका वुमन 1 भी बार विन नहीं की बैट सेकेंड के अंदर, ठीक है। सो ये सब स्टैट्स है जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि फेवर यहाँ पे अपनी फेवरेट टीम रहेगी साउथ अफ्रीका वुमन, ठीक है। बाकी पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो आपके स्क्रीन पे है ये अपना साउथ अफ्रीका वुमन्स की अपने प्रेडिक्टेड 11, इसके अलावा श्रीलंका वुमन्स की आप यहाँ से देख सकते हो। अब दोस्तों 1 बाय 1 प्लेयर्स स्टार्ट्स की अगर बात करें, तो चलिए सर आप सबसे पहले बात करेंगे ना साउथ अफ्रीका वुमन्स के साइड की, इसमें कि टी ब्रिट्स, इनके स्टार्ट्स देखें काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कराएंगे। रिसेंट मैचेस जो खेल के आ रही, पाकिस्तान वुमेंस, इंग्लैंड वुमेंस, इंडिया वुमेंस, वेस्ट इंडीज वुमेंस प्लस श्रीलंका वुमेंस, ठीक है, सारे के स्टार्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। स्मॉल लीग के लिए बढ़िया ऑप्शन है इनका, ठीक है, प्लेयर भी ठीक ठाक है। इसके बाद आएंगी अपना लॉरा, अब यहाँ पे दोस्तों लॉरा वर्ल्ड की बात करें,
पाकिस्तान वुमेंस के खिलाफ इंग्लैंड वुमेंस, बाकी अगर आप नीचे देखो ना, लास्ट गेम जो खेल के आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। इनका भी ऑप्शन स्मॉल लीग के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब यहाँ पे सिलेक्शन परसेंट पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा, बट दोस्तों स्मॉल लीग्स के अंदर ये ऑप्शन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी तगड़ी हीटर है, ठीक है, प्लस टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कराएंगी। सो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। जो ओपनर, दोनों ओपनर ही काफ़ी बढ़िया साउथ अफ्रीका के साइड से। इसके बाद अगर आगे बात करी जाए ना एम कैप की, सो उनके स्टार्ट्स अगर देखें यहाँ से दोस्तों, इनके स्टार्ट्स आप ना यहाँ से देख सकते हो, ऑलराउंडर कैटेगरी से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये प्लेयर दोस्तों सी और वीसी के लिए ना तगड़ी चॉइस रहने वाली है, ठीक है। एम कैप का ऑप्शन सी और बीसी के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है, बाकी परफॉर्मेंस आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। हालांकि लास्ट के गेम में कुछ खास नहीं करके आ रही, बट दोस्तों सी और बीसी के लिए बढ़िया चॉइस है ये, है ना। ओवरऑल अगर इनका देखें तो यहाँ पे आज फैनकोड को पता नहीं क्या हो गया, ये डेटा नहीं दिखा रहा, ठीक है। खैर कोई नहीं, आगे बात करेंगे अपना टायरोन की। सो इनके अगर स्टार्ट्स देखें, ये भी आपको ऑलराउंडर कैटेगरी से मिलेंगे दोस्तों। स्टार्ट्स आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। लास्ट के जो तीन गेम्स खेल के आ रहे केवल और केवल यहाँ पे, ठीक है, है ना। बाकी ओवरऑल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है इनका प्रदर्शन, है ना। सो स्मॉल लीग्स के अंदर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा डी क्लर्क की अगर बात करें, सो अगर इनके स्टैट्स अगर देखे जाए, अब सारे के सारे प्लेयर्स तो हम ले नहीं सकते ना। अब यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे कप्तानी पारी खेली थी इन्होंने, देखे ज़रा डिटेल्स में, 50 रन्स इन्होंने बनाए, 3 विकेट्स भी निकाल के गए दोस्तों। सब बॉल के अंदर ना ये ऑप्शन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, ठीक है, डी क्लर्क का। इसके अलावा सिनालो की अगर बात करें, इनके ज़रा स्टैट्स देखें, सर इनके स्टैट्स कुछ खास देखने को नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। विकेट कीपिंग करेंगे साउथ अफ्रीका वुमेंस के साइड से, ठीक है। ये ऑप्शन आप छोड़ भी सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसकी टीम्स वगैरह में या जीएल की टीम में ही रखना। इसके बाद आई इस्माइल की अगर बात करें, ठीक है, तो इनके स्टैट्स अगर देखे जाए, ओवरऑल आप यहाँ से देख सकते हो, ओवर्स अपने पूरे डालेंगे ये, ठीक है। स्मॉल लीग्स के अंदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन, प्लस रिस्क की टीम्स में, जीएल की टीम के अंदर भी एक टीम में आप कैप्टन बना के चल सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपना एम क्लास की अगर बात करी जाए, क्या बात है दोस्तों, लास्ट गेम छोड़कर अगर सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट देखो ना आप, काफ़ी ज़बरदस्त 4 विकेट्स निकाल के आ रहे दोस्तों, है ना। सर एम क्लास का ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉलिंग सेक्शन से। एक और बॉलर है दोस्तों, आई थिंक खाका है, है ना, ये 2 बॉलर्स, ठीक है, इन पे आपने ना फोकस रखना है। इसके अलावा आई स्माइल का ऑप्शन है, ठीक है। दोनों के स्टार्ट्स अगर देखें, सो ये पड़े दोस्तों, एक आधा गेम को छोड़ दें, बाकी हर गेम से मैं विकेट्स निकाल के आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको डिटेल्स में भी बताऊंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मलाबा का भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ना साउथ अफ्रीका वुमेंस के साइड की, सो यहाँ पे ना फिल्टर लगाएंगे। इसके अलावा बॉलवर्ट को मैंने जैसे बताया था,
ठीक है, टी ब्रिट्स का मैंने बताया था, एम कैप, ठीक है, टायरन का मैंने बताया था, इसके अलावा डी क्लर्क। अब बॉलिंग से इनकी स्माइल, काका कौर, ठीक है, इसके अलावा एम क्लास। तो ये 8 इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, साउथ अफ्रीका वुमेंस की साइड से, ठीक है, और फेवरेट साउथ अफ्रीका वुमेंस ही रहेगी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। बाकी दोस्तों फिल्टर लगाएंगे श्रीलंका वुमेंस की साइड से। अब आगे अगर बात करें ना श्रीलंका वुमेंस की, तो उसमें के दोस्तों श्रीलंका वुमेन के साइड से अगर बात करें ना, तो सबसे पहले आती है चमारी। अब इनके स्टैट्स अगर देखें तो यहाँ पे सी और बीसी के लिए भी बढ़िया चॉइस रहने वाली है दोस्तों, ओपन कराएंगी, ठीक है, श्रीलंका वुमेन्स के साइड से। रिसेंट जो गेम्स खेल के आ रही है उसके अंदर के स्टैट्स आप यहाँ से देख सकते हो। हालांकि बीच बीच में इनके लास्ट कुछ गेम्स में परफॉर्मेंस उतने कुछ खास नहीं रहे, है ना, बट दोस्तों सी और बीसी के लिए भी बढ़िया चॉइस रहने वाली है। प्लेयर काफ़ी तगड़ी, काफ़ी टाइम से श्रीलंका वुमेन्स के साइड से खेल रही है ना, आपको पता होगा दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें हर्षिता की, तो इनके अगर स्टैट्स देखें तो यहाँ पे एक गेम में दोस्तों 71 के पॉइंट्स दे के आ रहे हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पे ना ये रिस्क ले सकते हो, रिस्की टीम्स के अंदर इनको रख सकते हो, है ना, बाकी ऑप्शन उतना कुछ खास नहीं है। कभी कभार एक आधा मैच में आपको चलते नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा विश्वी गुणारत्ने की बात करी जाए तो इनके स्टार्ट्स अगर देखें लास्ट के 2-3 गेम्स में दोस्तों ओवरऑल बढ़िया रहा है, तो इनको ट्राई कर सकते हो आप, है ना। हम दोस्तों स्टार्ट्स के बेस पे प्लेयर रखते हैं, ठीक है। सो लास्ट कुछ गेम्स जो खेल के आ रहे हैं इनके अंदर स्टार्ट्स आप देख सकते हो, ठीक है। मैं स्टार्ट्स आपको इसलिए दिखाता हूँ ना ताकि आप खुद से अपनी एक टीम बना सको, है ना। सो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो आप। इसके बाद अगर बात करी जाए ना अनिल कसी डेशलवा की, इनके स्टैट्स अगर देखो तो उतने कुछ खास नज़र नहीं आएंगे दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ वुमेंस के खिलाफ, आयरलैंड वुमेंस के खिलाफ, इंडिया वुमेंस के खिलाफ और 2 बार यहाँ पे पाकिस्तान वुमेंस के खिलाफ कुछ खास नहीं है दोस्तों। सो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, है ना, रिस्की टीम्स के अंदर ही रख सकते हो। आगे बात करें अगर अनुष्का संजीवनी की, सो अगर इनके स्टैट्स की बात करी जाए तो इनके स्टैट्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना, कंपेयर टू अदर प्लेयर्स जो हमने अभी देखे। तो इनको आप ट्राई कर सकते हो, इनफैक्ट आप वीसी भी लेके चल सकते हो इनको, ठीक है। बाकी जो पॉइंट्स दे के आ रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं दोस्तों, कैच का है, रनआउट का, स्टंपिंग पॉइंट्स यहाँ से मिले दोस्तों इन्हें, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया फील्डर है ना। तो अनुष्का संजीवनी का ऑप्शन आपके लिए मिडल ऑर्डर के अंदर ना काफ़ी बढ़िया रहेगा, मिडल ऑर्डर या डाउन ऑर्डर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ये नाम याद रखना आप। इसके अलावा अगर बात करें कंचना की, तो इनके स्टार्ट्स अगर देखे जाएँ ये पढ़े दोस्तों, नहीं दोस्तों कुछ खास नहीं है, रिस्की टीम्स के अंदर ही रखना, जीएल वगैरह में, स्मॉल लीग में आपके लिए ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की ऑप्शन हो जाएंगे, है ना। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे और शादी राणा शिंगे की अगर बात करें तो इनके स्टार्ट्स अगर देखें, ओपन करता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल आप देख सकते हो इनके स्टैट्स की अगर बात करें तो आयरलैंड वुमेंस के खिलाफ दोस्तों यहाँ पे 97 पॉइंट्स
पॉइंट्स दे के आ रहे हैं, है ना। सारे प्लेयर्स तो हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये अपना पूरा स्पेल करेंगी यहाँ पे इस वाले गेम के अंदर, सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है ना। बाकी ओवरऑल अगर आगे बात करें ना, कविशर दिलहरी, इनका स्टार्ट अगर देखें एक सेकंड दोस्तों, ये पढ़े, ये ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों। हर मैचेस के अंदर यहाँ पे अगर आप देखो ना, एक आधा विकेट निकाल के आ रहे हैं, ठीक है। सी ये ऑप्शन आपके लिए ऑलराउंडर कैटेगरी से काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर श्रीलंका वुमेन की साइड से आगे अगर बात करें ना, तो आगे आएंगे इनोका, उनकी अगर स्टार्ट्स अगर देखे जाए यहाँ पे बॉलिंग से, क्या बात है दोस्तों। लास्ट जो गेम्स खेल के आ रहे हैं ना, काफ़ी ज़बरदस्त पारी खेल के आ रहे हैं। सी और बीसी के लिए रिस्की टीम्स के अंदर या 3-4 मेंबर्स के बीच, ठीक है, ये ऑप्शन बढ़िया रहने वाला है श्रीलंका वुमेन्स के साइड से, है ना। बाकी अगर आगे बात करें सुगंधिका कुमारी, इनके स्टार्ट्स अगर देखें यहाँ पे, ये पढ़े, ऑप्शन होता तो कुछ खास नहीं है, जीएल की टीम में ही रख सकते हो, स्टार्ट्स देख सकते हो आप यहाँ पे ना, कुछ खास नहीं है ज़्यादा, इनको छोड़ सकते हो। इसके अलावा अचिनी की अगर बात करें, इनके स्टार्ट्स अगर देखें, ये पढ़े दोस्तों, नहीं दोस्तों ऑप्शन उतना कुछ खास नहीं है इनका भी। सो अगर मैं इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स बताऊँ ना श्रीलंका वुमेन्स की साइड से, जिसमें कि दोस्तों मतलब सबसे पहले फिल्टर लगाएंगे, अब यहाँ पे आप संजीवनी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अपना हर्षिता बैटिंग से इम्पॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था। इसके अलावा चम्हारी का ऑप्शन इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। राणा शिंगे, ये दो ऑप्शन, ठीक है, आप चाहो तो दिलहरी के साथ भी जा सकते हो। बॉलिंग से दोस्तों, बॉल से इनकी रणबीरा, है ना। अब दो प्लेयर दोस्तों, तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो ना, तो डी सिल्वा के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। अब बॉल से दोस्तों उतना कुछ खास ऑप्शन तो है नहीं, है ना, तो एक आधा रिस्क आप अपने लेवल पे ले सकते हो। तो ये 7 इंपॉर्टेंट प्लेयर श्रीलंका वुमेन्स की साइड से, है ना। अब दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन रही है, मैं आपको फाइनल स्मॉल लीग की टीम दिखाता हूँ। सो अपनी फाइनल स्मॉल लीग की टीम, ठीक है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। फेवर मैंने किया है अपना साउथ अफ्रीका वुमेन्स को, है ना। बाकी दोस्तों एक आधा चेंज आप अपने लेवल पे कर सकते हो। बात करें सीवीसी की, सो सीवीसी इनमें आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बॉल के अंदर दोस्तों एक सेकेंड, यहाँ पे बॉलिंग की अगर बात करें, सो यहाँ पे ना आप दोस्तों रणवीरा को ट्राई कर सकते हो, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, है ना। से एक आधा चेंज आप अपने लेवल पे कर सकते हो दोस्तों। बाकी वीडियो अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्त, है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो वुमेंस अपना वुमेंस T20 की वर्ल्ड कप की, वो भी धमाकेदार बनेगी, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े टेलीग्राम से फटाफट जुड़ जाना। धन्यवाद।